अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं हम बात को। क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू करना है। ये बड़ा बेहतरीन सवाल था, 16 मार्क्स का सवाल है जिसमें मैं दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं और 6 मार्क्स की इसमें थ्योरी है। 22 मार्क्स अगेन एक वेरी जिसे कहते हैं कि हेल्दी सवाल है। क्या कह रही है और आसान सवालों में से एक है। इवेल्युएटिंग प्रपोज्ड सोलर प्लांट पावर प्लांट बाय कैलकुलेटिंग द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू बहुत अरसे से नहीं आया था और मैं आपको बताऊं एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का एक फनी सा ट्रेंड है जो आई थिंक बिल्कुल पूरा हुआ है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का अगर मैं आपको एक फनी सा ट्रेंड दिखाऊं जो कि मतलब अगेन मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप आई कैप को जो है वो कुछ आप अल्लाह ना करे बोलना शुरू कर दें, बट मैं अगर आपको एक फनी सा ट्रेंड दिखा दूँ। कहाँ गया यार, ये देखें एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आया समर 2010 में, देख रहे हैं 2010 में समर में। अच्छा फिर उसके बाद कब आया ये, 2014 में आया, यानी कि 10 में आ गया है, फिर 14 में आ गया, ठीक है 4 साल बाद के गैप के बाद आया। अच्छा फिर 14 के बाद कब आया ये, 14 के बाद ये आया 18 में, मजे की बात ये तो 18 का मतलब है अगेन कितने सालों का गैप है। ये वो अलग बात है कि यहाँ समर में आया था, यहाँ विंटर में आया है और यहाँ भी विंटर में आया है, तो अब अगली एटम ऐसे बनती कब थी सवाल है। वैसे मेरा ये मैं एबी भी पढ़ाते हुए बोलता भी था, वैसे मजाक में बोलता था मगर मुझे नहीं पता था कि ये मजाक सीरियस हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 4 साल लग गया है, 4 साल लग गया है, फिर एक बार फिर ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर ने 2022 में इसको पूछ लिया, ठीक है समर में पूछा, मगर बात ये कि जो 4 साल का गैप है नंबर है जो डिफरेंस है 4 ईयर्स का इट रिमेन्स सेम। अब ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप बोलो कि सर अब तो ये 2026 में आएगा, भाई अब कोर्स चेंज हो चुका है, डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, कोर्स छोटा हो चुका है, प्रीवियसली मैक पोर्शन होता था कोर्स का बार 2018 के आसपास, तो ये ना हो कि आप बोलें कि यार सर ने तो ऐसे बोला है और आई कैप की तो सेटिंग हुई है 4 साल बाद देता है, नहीं ऐसा नहीं है। बट येस आई थिंक दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज फॉर मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी टेस्टेड इन 2022। और ये बात मैं अभी भी पढ़ाते हुए बोलता भी हूँ, पहले भी बोलता था और अभी भी बोलता हूँ। खैर अच्छा अब आ जाए इधर आगे, तुम कहाँ आ गए, हम 4/22 मका था। तो रिकॉर्डमेंट हमने पढ़ लिया, एपी भी निकालना है और क्या कहना है, सॉरी रिकॉर्डमेंट हमने पूरी नहीं पढ़ी है मेरे ख्याल से। एंड इट्स मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR, अब MIRR की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, पिछले कुछ सालों में हमें काफ़ी सवाल MIRR के नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मगर पहले जैसे MIRR बिल्कुल पाया ही नहीं जाता था, तो अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल पाया जाता है MIRR और हमें थोड़ा अलर्ट होना होगा MIRR। अच्छा इतना मुश्किल भी नहीं है, यकीन करें इतना आसान तरीन कॉन्सेप्ट है MIRR से, नाम इसका बहुत बड़ा है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR। काम कुछ भी नहीं, काम बहुत छोड़ा, 16 मार्क मैं समझता हूँ बहुत इजी थे। अच्छा कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने 2022 का सवाल 2022 में पेपर अटेम्प्ट किया और ये सवाल छोड़ दिया, कोई ऐसा है में से जो 2022 में मौजूद था और उसका ये सवाल छोड़ दिया कुछ में फोर, या अटेम्प्ट ही नहीं किया हो या लास्ट में अटेम्प्ट किया हो टाइम नहीं आओ एनी वन, ये देखा जाएगा आखिर में कर लेंगे और आखिर में पहुंचे तो टाइम खत्म हो गया, ये टाइम उतना नहीं बचा जितना होना चाहिए था क्योंकि 22 मार्क का सवाल था, इसमें टाइम 22 मार्क के हिसाब से 40 मिनट होने चाहिए, थ्योरी पार्ट कट हो गया था। ओके ओके ठीक है क्योंकि ये स्कोरिंग था सवाल ना, तो अगर किसी ने पेपर में छोड़ा है तो मैं समझता हूँ ये गलत कर दिया, ठीक है क्योंकि ये बाकी टाइम भी इसमें इतना नहीं लगना चाहिए था क्योंकि ये सवाल में इतनी चीज़ें हैं नहीं। जब फिर सेकेंड पार्ट में थ्योरी है जी, क्या बता रहे हैं कि जी ये एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ABV क्या होता है, MIRR क्या होता है, एडवांटेज बता रहे हैं, बता रहे हैं, सारे हमारी किताब में लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिकमेंडेशन बता दें कि भाई क्या यूज होना चाहिए ठीक है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो दिस वॉज अ क्वेश्चन जो आपको, आप आईकेप की किताब लेके जाते हैं अगर वहाँ से मिल जाएगा, हमारी किताब में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अगर पढ़ा है बिल्कुल इस पर हमने जो है वो एडवांटेज बात की है रेलिवेंट जगहों में जहाँ ये मौजूद हैं टॉपिक्स। सवाल पढ़ेंगे, इंफ्रा पावर लिमिटेड IP अ पाकिस्तान बेस्ड लिस्टेड कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। IP provide a complete design procurement and construction service। अच्छा ABV का background याद आ रहा है ना आपको, मुझे ABV revise कराने की जरूरत नहीं है, ओरली बता देता हूँ इसी सवाल से revise हो जाएगा, मगर मैं assume कर रहा हूँ कि आपको ABV पता है कि ABV होता क्या, पढ़ा हुआ है सबने और एक moderate revision भी हुआ है। Base case NPV होती है, एक चीज़ याद आ रहा है किसी को, बेस केस NPV होती है और फिर हम बेस केस NPV में ऐड करते हैं, बेस केस NPV यानी कि NPV कैलकुलेटेड रेट अनगेड गई, ये NPV होती है इतना की मगर एंटर रेट अनगेड गई, अनगेड गई होता है यानी कि एसेट बीटा वाला, यानी कि जिसमें गेनिंग का नामो निशान नहीं होता उस वाले डिस्काउंट फैक्टर पे NPV कैलकुलेट होती है और फिर हम इसमें ऐड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट में इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग आ जाती है,
इशू कॉस्ट आ जाती है, उसकी टैक्स सेविंग आ जाती है, सब्सिडाइज लोन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आई थिंक मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। तो एपीवी आ जाती है, इशू कॉस्ट वगैरह बिल्कुल आती है, सही कह रहे हैं। तो यही इसका एडवांटेज भी है कि इशू कॉस्ट को कैटर कर लेता है, दूसरे जो टेक्निक्स हैं वो इशू कॉस्ट को कैटर नहीं कर पाते। अच्छा सवाल पढ़ेंगे, तो ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड था आई थिंक एपीवी का, जो अगर हमारे पास है तो बहुत मजा आएगा सवाल में। सवाल पढ़ रहे थे हमने, कहा है कि जी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये इंजीनियरिंग डिजाइन बनाते हैं, प्रोक्योरमेंट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विस करते हैं, आई पी प्रोवाइड अ कंप्लीट डिजाइन प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर न्यू कोल एंड गैस पावर प्लांट इट सप्लाइज टू इट्स कस्टमर इन पाकिस्तान एंड फॉर सम इंटरनेशनली बेस्ड कस्टमर। लोकली भी इनका काम है और इंटरनेशनली भी इनका काम है। आगे क्या कह रहे हैं, वंस अ न्यू पावर प्लांट हैज बीन सक्सेसफुली इंजीनियर्ड एंड इंस्टॉल्ड इट इज ट्रांसफर टू कस्टमर हु मे यूज इट टू जनरेट पावर फॉर देयर ओन यूज और यूज इट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ग्रिड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अगेन कोई फाइनेंशियल फिगर नहीं आ रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो मैंने अभी कुछ नोट करने की जहमत नहीं की। हाँ ये अगर सी फैप थ्री का कोई केस स्टडी होता, क्योंकि मैं सी फैप थ्री भी अलहमदिल्ला पढ़ा रहा हूँ, या फिर ये एम एस ए टू का कोई केस स्टडी होता, एम एस ए टू को भी अलहमदिल्ला बहुत क्वालिटी क्वेश्चन में करा रहा होता हूँ, तो वहाँ पर फिर मैं आपसे कहता कि यार इसका भी डेटा बना लें, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे होते हैं। द बोर्ड हैज रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इज कंसीडरिंग डाइवर्सिफाइंग इनटू डिजाइन एंड सप्लाई ऑफ कमर्शियली वायबल सोलर पावर प्लांट्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग फर्स्ट इन वन साइड टू टेस्ट द यूज ऑफ सोलर पावर टेक्नोलॉजी डिजाइन। आप बस इतना चाहें तो लिख दें कि यार हम आई पी जो है ना वो कर क्या रहे, डाइवर्सिफाइंग करना चाह रहे, इसमें डाइवर्सिफाई करना चाह रहे इनटू डिजाइन एंड सप्लाई ऑफ सोलर पैनल इनटू सोलर पैनल। ठीक है जी, सोलर पैनल पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि द बोर्ड हैज रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल, जी होगी बात। If investment available for the new solar power plant is favorable, then this will provide business case to construct the first new IP solar power farm. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें साइड में, अगर ये तजुर्बा इनका कामयाब होता है, इनकी पॉजिटिव हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो फिर हम जो है पूरा एक फार्म लगा लेंगे सोलर पैनल का, बड़े मैसिव लेवल पे काम कर लेंगे। If after launch the solar panel technology used at the first site ठीक है पावर प्लांट टू फीजिबल, देन आई पी विल यूज द डिजाइन द ब्लूप्रिंट एंड डिजाइन एंड डिलीवर फर्दर सोलर पावर प्लांट फार्म्स टू इट्स पावर प्लांट कस्टमर्स एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटजी टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड सप्लाई। सोलर फार्म इन भावलपुर में इन्होंने जो है कोई जगह ढूंढी है। द बोर्ड इज प्रपोजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू सोलर पावर प्लांट व्हिच विल बी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय आईपी डायरेक्टली। डायरेक्टर्स हैव अज्यूम्ड आईपी विल सेल ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड टू नेशनल ग्रिड से। अभी भी आप देखें फिगर नाम की कोई चीज नहीं आ रही, कहानी बनती जा रही है। भावलपुर चले गए हम कहानी में, सुटेबल अब ये काम की चीज आई, सुटेबल 100 एकड़ लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड इन भावलपुर फॉर द फर्स्ट सोलर प्लांट पावर प्लांट एज द लैंड इज फ्लैट एंड नेशनल ग्रिड कनेक्टिंग पॉइंट इज क्लोज बाय। द साइट इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म रेंटल एट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 42 मिलियन एंड आईपी एंटीसिपेट टेकिंग ऑन 25 ईयर लीज इफ द डायरेक्टर्स ऑफ आईपी अप्रूव द पायलट ऑफ द सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट डिजाइन। तो भाई अब काम की बात आनी शुरू हुई, जब से भावलपुर आया है, भावलपुर के आने से क्या हुआ है जी, भावलपुर के आने से ये हुआ है कि 100 एकड़ साइट आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो है वो आगे कह रहे हैं हमसे कि लॉन्ग टर्म एनुअल रेंटल होगा, रेंटल कितना है 42 मिलियन पर एनम, कितने साल का रेंटल है, पच्चीस साल का रेंटल है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रीजन ऑफ 52 मिलियन, इन एडिशन केबलिंग एंड पाइलंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द ग्रिड वुड कॉस्ट 60 मिलियन। तो डिजाइन साइट प्रिपरेशन में, साइट प्रिपरेशन समझते हैं थोड़ा सा लैंड को मुनासिब करना है, सुटेबल करना है, तो 52 मिलियन उसमें लग जाएगा।
और 60 मिलियन कह रहे हैं कनेक्ट करने में लगेंगे। द पावर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज डिस्क्राइब बाय रेफरेंस टू मेगावाट। अ 1 मेगावाट सिस्टम वुड रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ ऑफ पैनल। अच्छा, 1 मेगावाट, मेगावाट ये बिजली के उसमें भी आता है ना कि इतना मेगावाट कम बिजली ज्यादा होगा, इतने मेगावाट कम हो गई, तो एक पावर प्लांट जो है वो आपका 1 मेगावाट बनाएगा। ठीक है, एक मैं आदान के बात करता हूँ, इसको नोट करें और रिमेनिंग बात बढ़े, मैं आदान के बात करता हूँ, इसको आप पढ़ें लो जरा, मैं आदान के बात करता हूँ। हाँ जी, आगे पढ़ा हमने, क्या कह रहा है ये, पावर प्लांट ऑफ द प्लांट इज डिस्क्राइब बाय रेफरेंस टू, क्या कहते हैं, मेगावाट। ठीक है, 1 मेगावाट वुड रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़, 1 मेगावाट में 5 एकड़ लग जाते हैं, तो कितने एकड़ है हमारे पास, टोटल मेगावाट्स कितने हो जाएंगे। हंड्रेड एकड़ लैंड है, जमीन है, ये बात हुई थी कहीं ऊपर, 100 एकड़ की जमीन है, 20 मेगावाट मेरे ख्याल से, बात समझ आ रही है, सही है ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो, हाँ, 5 1 में ना 100 में कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 20 मेगा 20 आ जाएंगे बस। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 90 मिलियन, एक एक सिस्टम में, एक पावर प्लांट में, तो इसको मैं और क्लियर कर दूं कि 1 पावर प्लांट 1 मेगावाट, टोटल पावर प्लांट्स कितने चाहिए होंगे, नीचे ये बात लिखी हुई है ना, 1 मेगावाट सिस्टम वुड रिक्वायर, ये देखिए, 1 मेगावाट सिस्टम वुड रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ ऑफ लैंड, ऑफ एकड़ ऑफ पैनल, एक सिस्टम जो है 1 मेगावाट का इतना मांगता है और 90 मिलियन चाहिए, तो हमें कितने सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, कितने सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, हमें जो है 20 सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, एक सिस्टम 5 एकड़ ले जाता है तो 20 सिस्टम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, एक सिस्टम की कॉस्ट 90 मिलियन आ रही है, सही ना, एक सिस्टम की कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास, 90 मिलियन आ रही है। ठीक है, 90 मिलियन जो है आपको पैनल की कॉस्ट, सोलर पावर प्लांट, 1 सोलर पावर पैनल, टोटल इन्वेस्टमेंट इन सोलर पैनल, ठीक है जी, 1800 मिलियन आपकी सोलर पैनल में खर्चा हो जाएगा, मिलियन की बात हो रही है। लाइफ कितनी है जी, यूजफुल लाइफ 25 साल है, प्रोजेक्ट की लाइफ 25 ईयर्स है, रेंट रेंट भी इसीलिए 25 ईयर्स का पे किया था ना, लीज भी 25 ईयर्स का किया था, कहीं लिखा हुआ था, जमीन भी 25 ईयर्स की ली थी, 1 इंस्टॉल्ड, ठीक है, देयर आर रूटीन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट व्हिच आर टिपिकली 1.9 मिलियन पर मेगावाट पर ईयर, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी, 1.9 पर मेगावाट, एनुअल कितनी हो जाएगी, एनुअल निकाल सकते हैं, सालाना कितनी हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई करूं, कितने मेगावाट है, 20 है,
38 मिली सही है ना। देखिए जो जो छोटी छोटी बातें मिल रही लिखते जाएं ताकि टाइम बचे आगे। करंटली द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सोल्ड टू नेशनल ग्रिड अंडर पावर परचेज एग्रीमेंट एट 16 पर किलोवाट। 1 किलोवाट 16 रुपए का बेच रही है। 1 मेगावाट सिस्टम शुड जनरेट 1000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। क्या बात कर दी इन्होंने। आपका एक एक किलोवाट जो है वो 16 रुपए का, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी, टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं पर एनम, और 1 मेगावाट में 1000 होते हैं, 1000 किलोवाट पर डे। क्या आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं? हाँ, क्या आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं पर एनम? कैसे निकालेंगे? आसान है यार, आसान है। एक यूनिट 16 रुपए का है किलोवाट वाला, तो क्या करें, 16 को पहले तो मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 16 को। ये क्या आ गया 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद? हाँ, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? 1 मेगावाट की का रेवेन्यू आ गया, 1 मेगावाट का रेवेन्यू आ गया, 1 मेगावाट का रेवेन्यू, ये 1 मेगावाट बन गया ना, क्योंकि 1 मेगावाट में 1000 है। कितने मेगावाट है? 20 मेगावाट है, 20 मेगावाट है। और कितने दिन है? और ये एक दिन का है, पर डे है। कितने दिन है? डेज कितने हैं? डेज नहीं भाई, छुट्टी नहीं करता ये, बिजली 5 दिन चाहिए, 365 दिन चाहिए ना, या सारे दिन चाहिए ना बिजली? बिजली तो सारे दिन चाहिए, क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई करें 16 × 1000, 11.68 11.68 00000। ठीक है जी, बात समझ आई। 116.8 मिलियन, 116.8 मिलियन। ठीक है जी, ये रेवेन्यू हो गया हमारा। अच्छा, खत्म करते हैं सवाल, बस एंड होने वाला है। करंटली इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डायरेक्टिव एज्यूम आईपी विल कंटिन्यू टू पे कॉर्पोरेट टैक्स 29% ईच ईयर ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉर्पोरेट टैक्स एज्यूम टू बी पेड इन द ईयर इन विच द प्रॉफिट इज अर्नड। सेम ईयर टैक्स है, कभी हमने देखा है सिलेबस में, हमारे कोर्स में नेक्स्ट ईयर भी होता है, तो टैक्स कह रहे हैं आप सेम ईयर है 29%। एंड लास्ट में क्या कह रहे हैं, अगले पेज में कह रहे हैं आपसे कि एज्यूम दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, डायरेक्टर ऑफ आईपी हैव एडवाइस फॉर सिंपलिसिटी to assume 10 year straight line tax allowable depreciation, project 25 years hai, ye clash aa raha hai thoda, ye clash aa raha hai chota sa, ab aap pareshan nahi hoiyega chote se clash hai, clash ye hai ki aap agar dekhe to project 25 saal ka hai, rental hi 25 saal ka hai, ye sari baatein 25 saal ki ho rahi hai, 25 year lease, aur ye panel ki life bhi 25 saal hai, panel ki life। मगर टैक्स वाले आपको पता है आपकी दुनिया, टैक्स की दुनिया अलग है ना, टैक्स वाले नहीं आपकी बातें मानते, टैक्स वालों के अपने रूल हैं, टैक्स ऑर्डिनेंस कितनी बातें हैं। तो यहाँ पे आपने जो डेप्रिशन का क्लेम लेना है ना, डेप्रिशन में जो टैक्स सेविंग आती है यार, डेप्रिशन की वजह से टैक्स बचता है, ये लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया कि डेप्रिशन की वजह से टैक्स बचता है, तो वो जो आपने डेप्रिशन की टैक्स सेविंग लेनी है वो खाली 10 साल पे लेनी है, वो खाली 10 ईयर्स पे लेनी है। हाँ, बाकी 25 साल तक चलेगा वो, 25 साल का ये नहीं है कि 25 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली शॉर्टकट हमें पता होता है, तो 25 की जगह यहाँ पे 10 पे काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैनल पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन एंड ग्रिड कनेक्शन कॉस्ट डू नॉट क्वालिफाई फॉर डेप्रिशन, इन पे डेप्रिशन नहीं लगेगी, इन पे टैक्स डेप्रिशन नहीं लगेगी, बाकी माइनस होगा इन पे टैक्स डेप्रिशन अलग से माइनस नहीं होगी, डेप्रिशन माइनस नहीं होगी, यानी कि डेप्रिशन का बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहे हैं, आईपी प्लान टू फाइंड 50% फंड, 50% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट थ्रू रेजिंग ऑफ न्यू डेट फाइनेंस, funding of the remaining 50% and the payment of new debt arrangement will be funded from IP's existing cash reserves with which the company has ring fenced for research and development expenditure. Early discussion with the bank suggests that 25 year bank loan would be available at an interest rate of 12% with new debt arrangement lies at 1.5% of the fund costs borrowed with a new debt arrangement fee. ye debt arrangement fee kise kehte hain, aasan lafzon mein baat kare to debt arrangement fee ka aasan naam kya hai jo hum normally use karte hain, commonly use karte hain, डेट अरेंजमेंट फी का नॉर्मल नाम क्या है, आसान नाम क्या है? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, एक ना कि इशू कॉस्ट है,
जब डेट इशू करेंगे तो कुछ पैसे आपको इशू कॉस्ट की मद में खर्च करने होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द इशू कॉस्ट जो सवाल में इन्होंने आपको फी के नाम से बता दिया, डेट अरेंजमेंट फी के नाम से बता दिया। हराम कॉस्ट से जी क्या कर सकते हैं, 1.5% ऑफ फंड बोरोड अरेंजमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट फाइनेंस आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, यानी कि टैक्स वाले इस पे आपको सेविंग दे देंगे। इक्विटी की इशू कॉस्ट पे अगर आपको याद हो, जनरल रूल हमने बनाया हुआ है इक्विटी की इशू कॉस्ट पे टैक्स सेविंग नहीं लेनी, जब तक वो खुद ना बोले, खुद बोलेगा तो बात खत्म हो गई, सही है ना। और ये डेट की इशू कॉस्ट पे नॉर्मली लेते हैं टैक्स सेविंग, और यहाँ लिख भी दिया गेयरिंग इनकी करंट की 1:1:2 है, डायरेक्टर आईपीएफ आइडेंटिफाइड सिमिलर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, देन एसेट बीटा 1.6, एसेट बीटा आपको बना के दे दिया जी, ये आपकी किस्मत अच्छी है इस बार। रिस्क फ्री रेट इन पाकिस्तान इज करंटली 9% एंड द मार्केट रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%। Evaluate the proposed solar panel project by calculating the adjusted present value APV and its modified internal rate of return MIRR. Ignore inflation. बड़ी अच्छी बात है, inflation ignore करते हैं। 25 साल का concept है, 25 साल का project है, inflation लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। Inflation लगाएंगे तो गिलाएंगे तो calculate करना थोड़ा सा difficult हो जाएगा। ये बात समझ आती है? कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, कितने column बनेंगे? पहले base case NPV निकाल लें, नहीं पहले base case NPV से पहले KE निकाल लें। 50% debt finance है। जी जी कहीं निकाल दें यार, प्लीज आप लोग यार पार्टिसिपेट कर लें, ठंडे क्यों पड़ गए। आपको फॉर्मूला पता है कहीं निकालने का, सीएपी का निकलेगा, रिस्क फ्री रेट आपको पता है, मार्केट रेट आपको पता है, बीटा आपको पता है, कौन सा बीटा यूज होगा आप देख लें। ये सब दिया हुआ है ना, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 9, मार्केट रेट 15 दिया हुआ है। अच्छा ये वैसे केई के फॉर्मूले में इक्विटी बीटा आता है, एसेट बीटा आता है, वैसे केई के फॉर्मूले में क्या आता है, वैसे केई के फॉर्मूले में इक्विटी बीटा नहीं आता, एसेट बीटा, वैसे इक्विटी बीटा आता है, मगर इस टॉपिक में क्या आएगा, इस टॉपिक में एसेट बीटा आएगा क्योंकि हम अनगेयर्ड अज्यूम करते हैं, याद है एपीवी में एक खास बात थी जो दूसरे टॉपिक में नहीं थी, बातें याद आ रही, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें जरा यार प्लीज, के ही निकाले। नहीं के ही के, हाँ तो आर एफ हमें पता है 9:15। बीटा भी निकालता दिया है, 1.6 ठीक है। अच्छा कैश फ्लो कैसे बनेंगे यार, प्लीज यार मुझे बताएं कैश फ्लो कैसे बनेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, नमाज का भी टाइम होने वाला है यार, हो जाएगा नमाज से पहले आएगा अच्छे खासे लेवल पे। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, मसला नहीं है इसको, ये जो हमने वर्किंग बनाई है इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, कहीं भी चाहे तो नोट कर लीजिएगा, मगर अप्रोच कैसे करेंगे जरा ट्राई तो करें, शाबाश। अच्छा चले, ये कॉलम कितने बनेंगे, टैक्स है बिल्कुल है, कितने साल का प्रोजेक्ट है, 25 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, डेप्रिसिएशन 10 साल पे जा रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन एसेट हम निकाल के फेंक देंगे, वो तो सिर्फ टैक्स वालों को दिखाने के लिए करें, तो टैक्स वालों को से क्लेम लेने के लिए करें 10 साल की बात। वैसे रेंटल ही 25 साल का है, पैनल की लाइफ 25 साल है, तो हम 25 साल तक ही चलाएंगे प्रोजेक्ट को। तो याद है वो जब इस तरह का कॉन्स्टेंट कैश फ्लो होता है तो एन्युटी लग जाती है, एन्युटी लगा सकते हैं, इन्फ्लेशन नहीं है ना इसमें, क्या कहते हैं एन्युटी लगा देते हैं, और डेप्रिसिएशन भी मजे की बात है, सोने पर सुहागा है, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग होती तो गड़बड़ होती है, उसने कह भी दिया मान लें स्ट्रेट लाइन सही है। हाँ ठीक है, तो 8 0 1 से 10 या पहले 1 से 25 कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग को बाद में ले लेंगे, ठीक है ये भी कर सकते हैं, पहले 1 से 10 ले लें जैसे आपको मुनासिब लगे, ये चलो 1 से 10 पहले लिख लेते हैं यार, इसको खाली छोड़ दें 1 से 10 को, मेरे कहने पे 1 से 25 कर लें, पहले रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू हमने निकाल लिया है, मिलियन कॉमन ले लेते हैं,
मिलियन कॉमन लेते हैं, रेवेन्यू कितना आ जाएगा 116.8, सही है। इसमें से लेस कर देंगे, क्या क्या कॉस्ट है यार, कॉस्ट बताएं क्या क्या देखी है। अब आप अपनी लिस्ट को देखते जाएं, इतनी मेहनत की है, साइड प्रोविजन अभी नहीं आएगा, वो एयर जीरो पे आएगा, केबलिंग एयर जीरो पे आएगा, केबलिंग एयर जीरो पे आएगा, रेंटल रेंटल हाँ रेंटल रेंटल लिया था ना यार, जमीन रेंट पे लिए, खरीदी नहीं, 25 साल के लिए लिए 42 के साथ। ठीक है, बात समझ आ रही है, ओवरऑल पहले हम काम कर लेते हैं। और कोई कॉस्ट है, ये हमने डिस्कस कर ली, रेंटल और प्लांट, सोलर प्लांट है 90-1800 मिलियन की कॉस्ट है, डेपिशन आ जाएगी इस पर। ठीक है, और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट 1.9 मिलियन है, 1.9 मिलियन है, मगर ये 1.9 मिलियन जो है वो 1 मेगावाट की थी, तो 38 निकाली थी, याद आ रहा है, 38 निकाली थी, 20 मेगावाट है ना, 20 प्लांट है। कितना कितना था फिगर, 38। चलें जी, नेट का ये और तो कोई मैं हल्दी डेप्रेशन है, मगर 1 से 10 है, डेप्रेशन 1 से 10 है, इसको छोड़ दें, नेट करें क्या आ रहा है, टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, 10.7 आ गया। अच्छा, अब एयर जीरो पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एयर जीरो पे क्या हो रही है, बता सकता है कोई बंदा, 1800 रुपये की पैनल में हो रही है, जिस पर डेप्रेशन मिलेगी, 1800 की डेप्रेशन पैनल पे हो रही है, और बताएं, और दो और कौन सी, साइड प्रिपरेशन और ये क्या कहते हैं, केबल्स, केबलिंग, साइड प्रिपरेशन, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1912। सॉरी इट्स। ठीक है, और कुछ रहता है क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, अब डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन लिखेंगे, यार याद है लीज़ और बोरो में भी कभी कभार मैं डायरेक्ट कर लिया करते थे, कभी कभार याद करें, लीज़ और बोरो इस बार ध्यान में रखिएगा, आ सकता है पेपर में, बात से बात निकल लिए, देख लें पेपर के हालात हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लीज़ और बोरो भी पूछा जा सकता है। हाँ भाई, वो याद है किसी को, डेप्रिसिएशन पे हम डायरेक्ट सेविंग निकाल लेते हैं, वो मसला है का, टैक्स सेविंग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1800 रुपए का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, हाँ 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, डेप्रिसिएशन आ गई 180 आ गई। हाँ भाई, याद करें, क्या परसेंटेज है, टैक्स सेविंग ले ली, डायरेक्ट टैक्स सेविंग ले ली, यार ऐसा भी करते, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करूं मैं यहाँ पे, मगर मसला ही मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लिखूंगा तो 25 साल की डेप्रिसिएशन लग जाएगी, यार मना कर रहा है वो, कह रहे 10 साल की है, 10 साल की लाइफ है, तो 10% हो गया, या 1/10 कर लेते चले, अगर आपको नहीं होता तो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, 52.2 डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग, तो नेट कैश फ्लो निकाल लें, लीज़ और बोरो भी इसी इतना करते थे, ऊपर हेडिंग बना लिया करते थे, कैपिटल राशनिंग भी ऐसे करके देखा है, कितना बनता है, 36.8 और 10.7, एक मिनट माइनस कर लेते हैं, 26.1 बनता है, तो फिर डिस्काउंट फैक्टर लगा दें, कितने परसेंट है, 18.6%, 18.6% का डिस्काउंट फैक्टर लगा दें तो ये तो सेम आ जाएगा, बेस के एनपीवी के करीब आ रहे हैं, 10 ईयर्स का डिस्काउंट फैक्टर कैसे लगेगा, डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 1 2 1-1.186 -1.186 -25
निकालें क्या 100 क्वांटिटी? फोर पॉइंट फोर कर लें, 4.4 सॉरी। और ये कितना आ रहा है? 5.3। एंड 229.6 8 138.33। बेस केस एनबी की तैयार हो गई है। वन फाइव फोर फोर नेगेटिव आ रहा है भाई। बेस केस एनबी, अभी फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट देखेंगे हम जरा, कंप्यूटेशन ऑफ एपी भी, बेस केस एनपी भी आ गई। और इसमें ऐड कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। इसमें क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट और इशू कॉस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इशू। ये जो फिगर आएगी इस फिगर के बाद इस पोजीशन में होंगे कि एपीवी निकालें। हाँ जी, बात समझ आती है? मुश्किल तो नहीं था ये सवाल? क्या लगता है, मुश्किल तो नहीं था ये सवाल? डिस्काउंट रेट क्या होगा इसका? डिस्काउंट रेट क्या होगा इसका? हाँ जवाब दें, इसका डिस्काउंट रेट क्या होगा? केडी होगा, केडी होगा ना। तो केडी कितना है? केडी पता है आपको? तो लोन कितने का लिया इसने? 50% लोन लिया ना, आधा लोन से फाइनेंस किया, कहीं लिखा होता 12% भी लिया। केडी पे अगर डिस्काउंटिंग करते हैं, केडी 1-3 पे नहीं करते, केडी पे करते डिस्काउंट है एट केडी। चले तो यार नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से टाइम हो गया, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं और फिर हम जरा देखते हैं कि क्या बनेगा। केडी है 12%। चलिए नमाज का ब्रेक करते हैं, छोटा सा सवाल रह गया, ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एमआईए आ रहा है, वो भी मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का ही होगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये सवाल नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे। नमाज ब्रेक है हमारा 1:50 तक, आप आके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें खुद से। तो ये 1:50 तक नमाज ब्रेक है, फिर हम कोशिश करेंगे ये करके। लास्ट सवाल बड़ा आसान सा है, उसको देखते हैं हम किस लेवल पर सॉल्व करते हैं और फिर हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है? वापस आइएगा, नमाज जरूर पढ़ लें प्लीज, और नमाज कर वापस जरूर आइएगा, इस सवाल को एंड करना है। सवाल निस्बतन बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक है? मिलते हैं ब्रेक के बाद जल्दी। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बेस केस एनपीवी तैयार थी, 1544 नेगेटिव आ रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट से पहले हमने केडी वापस लिख लेते हैं, मैंने फालतू से साफ सुथरा करके, तो हमने आई थिंक ऐसे कर लेते हैं। तो जो केडी है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, वो हमारा जो है वो 12% है। हमारी बात हो गई डिस्काउंट रेट, ये इसके लिए साइड फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के लिए। तो हम जरा अब अच्छा एनुइटी फैक्टर निकाल लेते हैं, सॉरी हाँ एनुइटी फैक्टर निकाल लेते हैं, नीचे ही निकाल लेते हैं यार। वन माइनस 1.12 की पावर माइनस 25
डिवाइड बाई 0.12, ठीक है ना, 25 साल का एनुअल डिफेक्टिव निकाले ना, आ क्या रहा है ये, डिवाइड बाई 1.12 की पावर 25, आंसर तो इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेव नहीं, मैंने तो गलत लिख दिया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, जल्दी जल्दी में लिख दिया था ना, मास्टर पहले कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, अरे हाफ इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है या डेट फाइनेंसिंग कितनी हो रही है, लोन का अमाउंट हो गया हाफ कह रहे इंटू 12% इंटू 29% बिकॉज टैक्स रेट इज 29 इंटू 7.843 दो तरीके है, इशू कॉस्ट कहाँ से पे हो रही है, अगर लोन से पे हो रही है तो ग्रॉस अप कर दो, अगर लोन से पे हो रही है तो ग्रॉस अप कर दो, याद है ग्रॉस अप वाला कॉन्सेप्ट, अगर लोन से पे हो रही है तो क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ इशू कॉस्ट के बारे में, किसी को याद आ रहा है, एपीपी में बहुत बात हुई है कि हम 0.985 से यानी कि ग्रॉस अप करते हैं, मैं ज्यूम करते हैं लोन ज्यादा अमाउंट का लेंगे, रूपी देते हैं हमको, सोल्यूशन में थोड़ा डिफरेंट हुआ था आई गेस, आई कैप के 980 डिवाइड बाय 0.985 ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा लोन का 970.56 into 1.5% 14.56. देखें लोन आप लेंगे कितने का, 970.56 का लेंगे, देखो बात समझो, 970.56 का लोन क्यों लेंगे, क्योंकि इश्यू कॉस्ट भी तो पे करनी है, वो कहां से पे करेंगे, पैसे ही नहीं है इनके पास, पैसे ही नहीं है भाई, पैसे ही नहीं है, तो लोन पहले 970.56 का हुआ, इसमें लेस कर दिया इशू कॉस्ट 1.5% ही था, देखो वही आंसर है, जितने पैसे हमें चाहिए, हमें हाफ फाइनेंसिंग करनी है, ये लो जी हाफ फाइनेंसिंग हो गई, ये लो जी हाफ फाइनेंसिंग हो गई, क्या ये बात याद आ रही है भाई, पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, मगर अप्लाई करनी है इसलिए डिस्कस हो रही है, टैक्स सेविंग कैसे निकलेगी 14.56 into 0.29 इस पे टैक्स रेट, मगर एक साल पीछे लेके जाना है, टैक्स रिटर्न बनता है एक साल बाद, याद आ रहा है ये देखो एक साल बाद तो 1.12 आईकैप के सॉल्यूशन में, ये फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट में थोड़ा चेंज आ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ आईकैप के सॉल्यूशन से हमारा इख्तिलाफ होता है, आज भी है, बट खैर है कोई बात नहीं, इतना चलता है, 60.93 माइनस 14.56 प्लस 3.77 250.14 माइनस में आ रहा है 1293.86 क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, नेगेटिव आ रहा है, एपीवी क्या कर रहा है, नॉट रिकमेंडेड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड मना कर रहे हैं, फाइनेंशियल फिगर मना करेंगे, मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, क्लियर है ये भाई, ये इशू कॉस्ट की वर्किंग क्लियर है, कैसे निकाला कि 956 का लोन चाहिए था, ये 98.5% ठीक है, तो इस तरह हमने निकाला, और फिर इशू कॉस्ट माइनस की नेट लोन रिकनसाइल हो गया जितना चाहिए, तो काइंडली इसको नोट कर लें, एपीवी कंप्लीट होता है हमारा इस पार्ट का, और एमआईआरआर पे फिर मैं बात करता हूँ, इसको नोट करें, एमआईआरआर का फॉर्मूला लिखूंगा मैं आपके सामने, और फिर एमआईआरआर की बात करेंगे, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो फॉर्मूला पहले से लिख लेता हूँ, क्विकली नोट कर लें, कोई सवाल है पूछ लें पक्का भैया, क्लियर है, पेपर में यार ये इतना आसान था कि बस, क्या बोले, के बस,
क्वेश्चन वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज, रिटर्न वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज इनटू वन अपॉन एन, इनटू वन अपॉन एन इनटू वन प्लस आर ई माइनस वन, ये सारा काम हो जाएगा वन प्लस आर ई माइनस वन। ये एम आई आर का फॉर्मूला है, तो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलें नोट करें, आई एम आई आर भी फौरन निमट। देखें यार, ये बड़ी एफर्ट हुई है हमारे लेक्चर ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सेशन में आप लोगों ने बहुत एफर्ट किए, और बस गुजारिश आपसे यही है कि यार कवरेज पूरी करें और सिलेक्टेड बना जाएं, कोई भी चीज़ ना छोड़ें। कोई क्वेरी है मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ, आपको पता है आप जो है वो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, तो कोई क्वेरी होती है आप पूछें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 hours में रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो पहले दिन से ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाकी ये कि लेकिन यार आप पास होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अनफॉर्चुनेटली कोई पास नहीं हो पाता तो दुख भी होता। अभी कुछ दिन पहले अभी कैफ का रिजल्ट था, कुछ बच्चे 47, 48, 46 में रुके, बहुत बुरा लगा। माशाल्लाह निकले भी बच्चे, दिन स्टार्ट हुआ काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह बोला जी हम पास हो गए, दैट्स गुड। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पर रुकते हैं, 40 में रुकते हैं, ये किसी भी मार्क्स से रुकते हैं ना, तो टीचर को भी तकलीफ होती है। कोशिश करें कि यार तैयारी अच्छी करें, बी एफ डी रिजल्ट इतना बुरा नहीं आ रहा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार भी पेपर हमेशा की इतना बैलेंस्ड आएगा, और मैं समझता हूँ बचने के चांसेस मिलेंगे आपको। आपने पैनिक नहीं करना है, पढ़ के जा रहे हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह निकलेगा, इस यकीन से करें। आप पेपर यकीन से करें कि इतनी तैयारी करके जा रहे हैं तो क्या मसला होगा। लॉजिकल लॉजिक तो यही कहती है कि जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पढ़ के जाते नहीं निकल पाते, मगर मेजोरिटी जो पढ़ के बाकी प्रैक्टिस अच्छी करके जा रहे हैं, कवरेज अच्छी करके जा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेक्चर पहले से कवर किए हुए हैं, रिवीजन तगड़ा किया हुआ है। एयरली पेपर मैं वापस बार बार कहता हूँ, एयरली का मतलब अटेम्प्ट वाइज पेपर, कि लेट से आपने दिसंबर 21 की अटेम्प्ट पकड़ी, पूरा 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के मैक का पर सवाल हटा दीजिएगा, एक मैक क्वेश्चन का सवाल होता था, अब नहीं होगा वो। इसी तरह फिर आपने June 21 पकड़ा, अगेन टाइमर लगा के देखा कि आप कितना कर पा रहे, अपने आप को मार्क करें सजेस्टेड सॉल्यूशन से। फिर आपने दिसंबर 2020 देखा, ठीक है, June 20 में तो शायद अटेम्प्ट नहीं हुई थी कोविड की वजह से, तो कहने का मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में चले, कम से कम 4 से 5 एयरली पेपर जरूर करें, मगर ये उसी वक्त होंगे जब आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के बगैर करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है। और कोशिश करें टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल समझते हैं डे वाइज टाइम टेबल। हमारे गोल्ड मेडल स्टूडेंट थे शाजिब आफ्ताब, उन्होंने बड़े 2 गोल्ड मेडल 3 मेरिट सर्टिफिकेट एक ही अटेम्प्ट में अभी कुछ अच्छे पहले 2021 में स्कोर किया, तो उन्होंने अपना एक टाइम टेबल शेयर किया, बड़ा बेहतरीन डिटेल टाइम टेबल। टाइम टेबल इज द की, ठीक है, छोटी छोटी बातें मगर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर जाती हैं। दुआएं बिल्कुल आपके साथ में, हमारी मेहनत भी कर रहे हैं हम आपके साथ, मगर ये कि हमने कुछ चीज़ों को छोड़ना भी नहीं है, और आखिर तक अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखना है मुझ समेत। अच्छा आगे बढ़ेंगे, एम आई आर निकाल रहे हैं हम जरा, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज इन पावर 1/n इनटू 1+re मींस रिटर्न माइनस 1। अच्छा रिटर्न वैसे यहाँ पे वैक होता है वैसे, मगर हमें वैक निकल नहीं सकता। अब बोलेंगे सर वैक क्यों नहीं निकल सकता, गेयरिंग दी हुई तो है। मसला ये कि गेयरिंग बताया हुआ नहीं है कि ये मार्केट वैल्यू की है बुक वैल्यू की, सही है ना। और दूसरा लाइक टू लाइक भी हो जाएगा, एपीवी भी केई पे कैलकुलेट हुआ है मेजर, और दूसरा यहाँ पे ये नज़र भी नहीं आ रहा कि ये बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कह रहा है क्या कह रहा है, बैलेंस शीट भी दे रहा है कि चलो हमें पता चल जाएगा हम ये बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू है वेरीफाई कर लें। इसलिए मैं कहूँगा कि आप वैक पे फिर ना करें, फिर हमारे पास एक ही तरीका बचा है, वैक नहीं है तो फिर केई कर लें। बट वैक अगर आप चाहें, हाँ ये ज़रूर है कि कोई बंदा कहता है कि नहीं जी मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ ये मार्केट वैल्यू वाली है, तो आप बिल्कुल वैक निकाल सकते हैं। वैक के लिए आपको ई चाहिए, मौजूद है इक्विटी फाइनेंस कितना है ये, सॉरी ई और डी चाहिए, ये रेशियो मौजूद है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास केई अगर मौजूद है, केडी और माइनस टी भी मौजूद है, 12% है ना, 12 को नेट ऑफ टैक्स कर दें, तो आप चाहें तो वैक निकाल के भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं, बट आई थिंक वैक निकालना भी मुश्किल नहीं है, आपको मैंने रेशियो बता दिया है, अगर आप इस रेशियो को मार्केट वैल्यू वाला मान लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। असल चीज़ है हमारे अप्लाई कैसे करना है, तो रिटर्न फेज और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मुझे देख के बताएं प्रेजेंट वैल्यू देख के क्या लग रहा है, कौन सी इसमें से प्रेजेंट वैल्यू रिटर्न फेज की है, कौन सी इन्वेस्टमेंट फेज की है, इस प्रेजेंट वैल्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, ये कौन सी वाली है, ये रिटर्न फेज की प्रेजेंट वैल्यू है या इन्वेस्टमेंट फेज की। यार इतना तो हमें पता होना चाहिए, हमारे इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान है, हमने कवर किया है आखिर के लेक्चर में जी।
ऑब्वियसली सही कह रहे हैं दाम जी, सही कह रहे हैं मोहम्मद सरवर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है बेहतरीन, सही है सही है, ठीक हो गया। तो ये हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट फेज, येलो कर दिया ना ताकि वो कनेक्ट हो जाए, और रिटर्न फेज की जो है वो ब्लू कर लेते हैं, तो रिटर्न फेज की ये वाली हो जाएगी, कौन सी बराबर में जो थी, रिटर्न वैल्यू निकली हुई है ना। अच्छा हमें फायदा भी हो गया ना, क्योंकि टाइम बहुत लग चुका है मिसाल के तौर पे, तो हमें फायदा हो गया। वैक से होता तो वापस डिस्काउंटिंग करनी पड़ती, अगर हम वैक निकालेंगे तो ये वापस डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, प्रिंट वैल्यू चलेगी नहीं, ये प्रिंट वैल्यू के ही पे निकली हुई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब मैं इनडायरेक्टली जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है सवाल से उस पर ही बात करना चाह रहा हूँ आपसे। एंड इसके बारे में क्या ख्याल है, ये कौन सी वाली 229.6, इसके बारे में क्या ख्याल है 229.68, इसके बारे में क्या कहते हैं, ये कौन सी वाली है। ये भी मुझे लग रहा है ये डेप्रिसिएशन किस में आती है, रिटर्न फेज में आती है, इन्वेस्टमेंट फेज में आती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर साल के ये टैक्स है, टैक्स तो हर साल आता है ना, टैक्स तो रिटर्न फेज में ही आएगा, टैक्स ना टैक्स, तो टैक्स की वर्किंग ये टैक्स का अमाउंट है, टैक्स की अमाउंट चूंकि रिटर्न फेज में आती है तो ये भी रिटर्न फेज में आएगी। तो इन्वेस्टमेंट फेज का अमाउंट हमें पता है 1913, 1912 है यार, 13 नहीं है सर मेरा, खैर 1912 ये आ गया, और ऊपर वाले केस में ये आ गया 229.68 और 138.33, 138.33। चलें पावर कितनी लगाएंगे, 25, एंड नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं 25, 1+RE की जगह 1+KE हो जाएगा, ये सारा एक तरफ है और फिर -1 होगा। चलें निकालें क्या आ रहा है, एरर मैथमेटिक्स लगानी, कैलकुलेटर सही लगाना पड़ेगा, फिर देखें क्या आता है। ठीक है जी डन हो गया, कितना आ गया ये, बिल्कुल कितना आ गया ये 11.0% ना, 11.03% आ रहा है, किस अच्छा एबीवी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं कि इशू कॉस्ट कंसिडर हो जाती है, रिस्क कंसिडर हो जाता है, इंडस्ट्री चेंज कंसिडर हो जाती है, अलग अलग नजर आ जाता है, सेग्रीगेटेड नजर आ जाता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं जो अगले पार्ट में हमने लिखे, उसको नोट कर। नहीं यार ये सवाल एंड हुआ जाता है, इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। 16 पाक कमांड हो चुका है, राइट अ रिपोर्ट टू आईपी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हिच इवैल्यूएट्स द प्रपोज्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ एपीवी, एपीवी क्या होता है, पूरा बेस केस एनपीवी, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए एक लाइन में, और एमआईआरआर को भी समझाना चाहिए कि ये अज्यूम करता है कि री इन्वेस्टमेंट वैक जो होती है, इसकी थ्योरी किताब में लिखी हुई ऑलरेडी। एडवांटेज एडवांटेज मैंने आपको एपीवी के एडवांटेज बता दिए कि सेग्रीगेट कर देता है, ऑपरेशन से कितना फायदा हो रहा है और फाइनेंशियल सर्टिफिकेट से कितना फायदा हो रहा है, दूसरा ये रिस्क को बहुत अच्छा कैटर करता है, तीसरा ये इशू कॉस्ट उसकी टैक्स सेविंग को कैटर करता है जो कि ट्रेडिशनल एनपीवी इग्नोर कर रहा होता है। नुकसान इसका ये है कि ये जो अजम्पशन ली गई है डिस्काउंट रेट की, ये थोड़ी सी अगेन आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि ये एप्लीकेबल हो, डिस्काउंट रेट हम एज्यूम करते हैं रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट विच इज नॉट द केस। सेकेंडली हम एज्यूम करते हैं कि जो ये हमारे कैश फ्लोज हैं, रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लो में भी इशू, ठीक है एमआईआरआर परसेंटेज वाला तरीका ये कैश फ्लो पे बेस कर रहा है तो कैश फ्लो की रिलायबिलिटी पे इशू आ सकता है। बीटा वगैरह पे आप बात कर सकते हैं कि बीटा रिस्क है, मुल्क के हालात जिस तरह चेंज हो रहे हैं, मुझे बताएं बीटा हम एज्यूम करें 25 साल तक सेम रहेगा, इतने बड़े टाइम तक बीटा सेम रहे ये कोई अजीब सी बात लगती है। ठीक है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की फायदा ये है कि यार ये आपको परसेंटेज बेस में बताता है, वैल्यू बेस में नहीं बताता, परसेंटेज में बताता है तो डिसीजन करना थोड़ा आसान होता है, और ये आईआरआर की को वो करता है, आईआरआर की लिमिटेशन है ना, आईआरआर को काउंटर करता है। एक और भी लिमिटेशन होती है कि अगर नेगेटिव नेगेटिव कैश फ्लो आ जाए ना दरमियान में रिटर्न फेज में, तो उसको ही बहुत अच्छा कैटर करता है, आईआरआर उसको कैटर नहीं करता। ये इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जो एमआईआरआर पढ़ाते हैं, मैंने बिल्कुल पहले 5-10 मिनट में ही बात की, ठीक है नॉर्मल लेक्चर में। डिसएडवांटेज ये है कि परसेंटेज इज नॉट अ वैल्यू ना, तो शेड्यूलर को पता नहीं चलता कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो ये एक जो है ना एक बहुत बड़ा इसमें मसला रहता है। और एक और बात यह कि अगर कोई बहुत अनइवन कैश फ्लो होंगे, अनइवन कैश फ्लो तो परसेंटेज खराब कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो देखिए विजिबिलिटी है ना, एपीवी में विजिबिलिटी है कौन सा कैश फ्लो कितना आ रहा है, उसमें विजिबिलिटी नहीं, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज की फॉर्म में आ रहा है, तो पीछे कहाँ पे जाके बुरा हुआ, कहाँ पे जाके एबनॉर्मलिटी आई, तो एबनॉर्मलिटी ज्यादा अच्छे तरीके से कैटर नहीं हो पाती, वो ज्यादा अच्छी कैटर हो पाती है एपीवी में, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल सेग्रीगेटेड काम है। तो ये कुछ बातें आई थिंक 6 मार्क्स में आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये सवाल हमारा एंड हुआ जाता है, इसमें कोई सवाल है किसी का और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें यार मुझे बता दें। बाकी ये सवाल में सबसे बहुत स्कोरिंग था, कहीं से छूटा है पेपर में, थोड़ा बैड लक हो गया, बाकी आप इस तरह का सवाल मैं समझता हूँ कि आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है क्लियर है, नोट करें यार, दो में याद रखिएगा प्लीज़, थैंक यू।